उत्तराखंड के नैनीताल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां ब्रेन हेमरेज की पीड़ित महिला को हल्द्वानी ले जाने पर उसे अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन फिर मृत महिला ने वापसी के दौरान सहायक महिला का हाथ पकड़ लिया। मृत महिला को दोबारा हल्द्वानी ले जाया गया, जहां से उन्हें एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि महिला अभी कोमा में है। नैनीताल में सुखाताल के पास मोटर मैकेनिक की दुकान चलाने वाले मोहम्मद नईम की 45 वर्षीय पत्नी महरून निशा को मंगलवार दोपहर ब्रेन हेमरेज हुआ। महरून को तत्काल नैनीताल स्थित बीडी पांडे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में इलाज के बाद उसे शाम को हल्द्वानी के सुशीला तिवाड़ी अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन अस्पताल में बेड न मिलने के कारण महरून को हल्द्वानी के एक निजी अस्पताल में रखा गया। महरून की हालत देखकर अस्पताल ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिवार के लोग महरून को वापस नैनीताल ले जाने लगे और रिश्तेदारों को भी उनकी मौत की खबर दे दी। इसी बीच रास्ते में मृत महरून ने बगल में बैठी महिला का हाथ पकड़ लिया। इस घटना के बाद हंगामा मच गया। हैरान और भयभीत परिजन महरून को लेकर वापस हल्द्वानी लौट गए। महरून को देखने के बाद अस्पताल के चिकित्सकों ने उसे ऋषिकेश के एम्स के लिए रेफर कर दिया है, जहां अभी वो डॉक्टरों की निगरानी में है।